व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें करना हमेशा असंभव ही लगता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसी असंभव काम को संभव करके दिखा देता है तो हमें लगता है यार वो बहुत लकी है। दरअसल असंभव कार्य को करने के लिए जितनी कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है उतनी आप में कभी ही थी ही नहीं। कोई भी काम असंभव नहीं होता बल्कि थोड़ा कठिन होता है। जब कोई काम इतना कठिन होता है जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते तो बस हमें उसे असंभव कहने लगते हैं। यही असंभव शब्द जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो हम प्रयास करना भी बंद कर देते हैं। आपको याद होगा पहले वनडे क्रिकेट में 300 रन बनाना किसी टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती थी, मगर किसी टीम ने 300 रन बना भी लिया तो उसकी जीत निश्चित हो जाती थी क्योंकि उस समय तक 300 रन को पछाड़ना असंभव सा प्रतीत होता था। लेकिन समय बदला, नए लोग आए, पिच पर रन तेजी से बनने लगा। आज तो वनडे में 300 रन बनाना बहुत मामूली सी बात है, अब तो लोग 400 रन को भी पछाड़ देते हैं। पहले वनडे में शतक लगाने पर बहुत तारीफें होती थी, वनडे में दोहरा शतक लगाना तो असंभव ही था, इसके बारे में तो कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लोगों के इस भ्रम को तोड़ा और वनडे में 200 रन बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। और ये कहानी यही नहीं रुकी, कुछ दिनों बाद विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग ने भी दोहरा शतक लगा दिया। इसके बाद 200 रन कई लोगे बना चुके हैं। तो मित्रों असंभव तो कुछ था ही नहीं बल्कि काम बेहद कठिन था, इसलिए हम उसे असंभव मान बैठे। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने असंभव मान लिया, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने प्रयास नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने हिम्मत छोड़ दी। लेकिन एक बात याद रखना, एक न एक दिन एक ऐसा शख्स आएगा जो इस असंभव को संभव बनाकर दिखा देगा और ऐसा करके वह शख्स दुनिया में छा जाएगा। सिर्फ यही बोलोगे कि वह लकी है। दुनिया में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, आप नहीं तो कोई और सही। संभव असंभव के चक्रव्यूह को कोई आकर चुटकियों में ढेर कर देगा। तो मित्रों असंभव शब्द को अपने मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए क्योंकि यह शब्द है आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक और शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के पास रोज नए नए मोटिवेशन स्पीच लेके आता रहूं और आप लोगों को मोटिवेट करता रहूं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।